नमस्कार, मेरा नाम है जयकृष्ण मिश्र और आप देख रहे हैं beforeprint.in। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अन्य जेडीयू नेताओं के साथ सैफई पहुंचकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। इससे पहले मुलायम सिंह के निधन पर नीतीश कुमार ने ट्वीट के माध्यम से शोक प्रकट किया था। उन्होंने ट्वीट पर लिखा था, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। वे बड़े समाजवादी नेता थे, वे देश के रक्षा मंत्री भी रहे, वे गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली प्रभावशाली आवाज में से एक थे। उत्तर प्रदेश एवं देश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनसे हमारा व्यक्तिगत लगाव था। उनके निधन से मुझे काफी दुख पहुंचा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे तथा उनके परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे। नेताजी के निधन पर बिहार में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया था। मंगलवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी नेताजी की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए सैफई पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी और अर्थी को कांधा भी दिया था। इससे पहले जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया था। उन्होंने ट्वीट पर तस्वीरें भी शेयर की थी, साथ ही लिखा कि अपने अभिभावक धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का अंतिम दर्शन तो नहीं कर पाया, पर आज उनके घर सैफई पहुंचकर माननीय अखिलेश यादव जी से मिला। उनकी पीड़ा अकल्पनीय है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।